नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख कर लेते हैं। चक्रवाती तूफान यास उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका है। 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान की वजह से सड़कें सूनी हैं, तेज हवाएं और बारिश हो रही है। इसके बावजूद उड़ीसा से देश में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है। और इसी तरह बंगाल की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि तूफान से करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और वहीं 3 लाख घरों को नुकसान भी पहुंचा है। यास के कारण 15 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान का असर उड़ीसा और बंगाल के अलावा बिहार झारखंड तक देखा गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि यहां भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस तरह तूफान यास से प्रभावित राज्यों में सैकड़ों पेड़ उखड़कर गिरने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। राहत और बचाव दल ने हर जगह अपने अदम्य साहस से लोगों की जान बचाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह राज्य और केंद्र दोनों के लिए एकजुट होने और काम करने का समय है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ना कि अलग अलग काम करने का है, हमें टीम इंडिया की तरह काम करने की जरूरत है। वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों की नहीं। अगर हम इससे और देरी करते हैं तो ना जाने कितनी जाने चली जाएंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा है, हमारा देश कोविड-19 के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो क्या हम राज्यों को अपनी दम पर छोड़ देंगे? क्या यूपी अपने टैंक खरीदेगा या दिल्ली अपने हथियार? कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए, एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया, तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पर युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस देश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है, मगर अभी भी मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में कई राज्यों के पास वैक्सीन की कमी सामने आई है और जिस पर राजनीति भी लगातार अब जारी है। यहां दिल्ली में सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो वहीं बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि आज दो बार हमने टीवी पर अरविंद केजरीवाल को देखा, दोनों ही बार वो झूठ भ्रम क्रेडिट की राजनीति करते नजर आए। पात्रा ने आगे कहा कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास आज भी 1,50,000 से ज्यादा वैक्सीन मौजूद है, आप इसका सही से प्रबंध करें। केजरीवाल जी, दो दिन से आपने और मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि फाइजर मॉडर्ना ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और जो भारत की सरकार है वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार को बातचीत करनी चाहिए और राज्यों को बातचीत नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल जी, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वीडियो का कंटेंट क्या है वो मैं बताना चाहूंगा। आप याद करिए, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब ये पूरा का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था, आपने क्या कहा था? जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको ओपन करिए। दिल्ली एक एफिशिएंट स्टेट है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और दिल्ली को इन एफिशिएंट स्टेट्स के साथ आखिर क्लब क्यों किया जाता है? दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब यह क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। और केजरीवाल जी, राजनीति करने का एक नया तरीका हमने दो दिन से देखा है।
आप कहते हैं कि ये युद्ध की परिस्थिति है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना की जो लड़ाई है ये फर्स्ट वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति थी और सेकेंड वेव भी एक युद्ध की परिस्थिति है। पहली बार भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीता था और दूसरी वेव में भी हिंदुस्तान इस युद्ध से जीतेगा, हम हारेंगे नहीं। मुझे लगता है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और केजरीवाल जी, आप देखिए, आज यूएस के बाद, अमेरिका के बाद कोई देश अगर 130 दिनों के अंदर 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सक्षम रहा है वैक्सीनेशन का, तो वो केवल और केवल पूरे विश्व में हिंदुस्तान रहा है। 60 वर्ष से ऊपर अगर एक भी डोज लगा है तो आज 42% ऐसे भारतीय हैं जो 60 साल के ऊपर है, उन्हें कम से कम एक डोज लगा हुआ है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इन सब विषयों को कोरोना संकट के बीच कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया और फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की खामियां गिनाते हुए पूछा है कि इसका जिम्मेदार कौन है, ताकि आगे की तैयारियों को लेकर सरकार देश के नागरिकों के सामने पारदर्शिता के साथ पूरा खाका रखे, ताकि कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही समझ में आए। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचानी शुरू कर दी तो और देश के नागरिक बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय देश की सरकार से लोगों की उम्मीद थी कि वो इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए पहले की तैयारियों और देश में उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करें, लोगों की जान बचाने के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादन भारत में होता है और आज दूसरे देशों से वैक्सीन मांगने की स्थिति में क्यों आ गया है भारत, और ये निर्लज्ज सरकार इसे भी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो मध्य प्रदेश में सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में असौड़ा गैंग से जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी के स्पेशल स्टार्टअप ने कांझावाला इलाके से इन्हें पकड़ने में सफलता पाई है और इनकी पहचान भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत के तौर पर की गई है। ये सभी हरियाणा के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस की माने तो इनका ताल्लुक नीरज भवानिया से भी है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वे लोग घटना वाली रात 12 बजे अलग अलग गाड़ियों से छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सागर राणा हत्याकांड में पूछताछ के लिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत मेहरा समेत अन्य को विभिन्न जेलों से पूछताछ के लिए दिल्ली लाया। पुलिस इनसे युवा पहलवान की हत्या से जुड़े तथ्य को जानने की कोशिश करेगी और इस हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जिले के स्पेशल स्टाफ ने अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये 4 लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार। ये जो 4 लोग हैं, इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सबकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। उनके पास कोई हथियार वगैरह कुछ बरामद है? नहीं, अभी इनके पास कोई उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस और येलो फंगस की चुनौती सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग जिलों के दौरा कर रखे कोरोना को लेकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन तेज किया जा रहा है और अब तो वो लोग भी वैक्सीनेट हो रहे हैं जो लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक और येलो फंगस पर सरकार सचेत है और इसके लिए अलग से वार्डों का इंतजाम भी किया जा रहा है। डॉक्टरों को भी ब्लैक और येलो फंगस से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी की वैक्सीन के लिए कहा जब हम सत्ता में आएंगे तब वैक्सीन लगेगी। अब मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन बीजेपी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम पारदर्शी और सर्व जो चिंता करने वाली सबकी ये सरकार है और मुख्यमंत्री जी ने पहले से कह रखा है कि जो 18 साल से ऊपर के नवयुवक हैं या परीक्षा में बैठने वाले हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो। जो शिक्षक ड्यूटी पे लगने वाले हैं या कर्मचारी ड्यूटी पे लगने वाले हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो वैक्सीनेशन के लिए। इसके लिए पहले ही वो निर्देशित कर चुके हैं। फुटकर वाले हैं, व्यापार वाले हैं, उनको हम दे रहे हैं राशन
जो है हम 5 किलो का निःशुल्क प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं 3 महीने तक, और पूरे प्रदेश में हमने जो 97,000 से अधिक राजस्व गांव हैं उनमें हमने व्यापक तौर पर उनकी स्क्रीनिंग की है, यानी जो ट्रीट है ट्रेस है उसका पूरा पालन करते हुए हमने जो गांवों में ट्रेस टेस्ट और ट्रीट का पूरी तैयारी करके जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और 70,000 से ऊपर की जो हमारी निगरानी समितियां हैं जिनमें हम लोगों ने ज़्यादातर में प्रधान को उसका अध्यक्ष बनाया है या शहर में हैं तो पार्षदों को उसका अध्यक्ष बनाया है, तो इनकी समितियों के माध्यम से हमने जो मेडिकल किट है अगर कोई सशंकित होता तो उसको पहले पहुँचा, और अब हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नई समस्या आ रही है जो ब्लैक फंगस की या इसकी जो उसके लिए हमने मेडिकल कॉलेजेस में जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें हमने बेड्स को अभी से सुरक्षित कर दिया है, और इसी तरीके से जो कहा जा रहा था कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा आएगी तीसरी लहर में तो हमने पीकू बेड्स जो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स जो ICU है उनकी व्यवस्था भी कई जगह पर अस्पतालों में की है, उनके लिए बेड्स को सुरक्षित किया है। जो ब्लैक फंगस या येलो फंगस या जो भी, तो उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। बता दें कि हाल ही में EWS कोटे के तहत सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक अरुण द्विवेदी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसे कुलपति सुरेंद्र दुबे ने मंजूर भी कर लिया है। अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा देने वाले पत्र में उन्होंने अपनी योग्यता बताते हुए कहा है कि उनका चयन निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही उनके बड़े भाई सतीश द्विवेदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। अरुण ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके कारण उनके भाई पर बेबुनियाद आरोप लगे। मंत्री के भाई ने कहा कि वो मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं और उनके लिए परिवार और उनके बड़े भाई सतीश द्विवेदी की सामाजिक और राजनीतिक सम्मान से ज्यादा अहमियत किसी भी चीज की नहीं है। नियुक्ति को लेकर मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को इस नियुक्ति से जोड़कर मीडिया और सोशल मीडिया में उन पर निरर्थक निराधार और अपमानजनक आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं जानता अपने विवेक से पूर्ण किए थे, इसमें डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी की कोई भूमिका नहीं थी। धन्यवाद। DIPR DRDO रक्षा मंत्रालय से JRF MSRF 17 पब्लिकेशन पुस्तकों का संपादन 20 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रस्तुतिकरण इत्यादि के आधार। खबर पंजाब से है जहां विधानसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब के 67 गांवों में नहर शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना तैयार की गई है, जिसका निर्माण जवाहर मार्केट स्थित मौजूदा नहर जल निर्माण कार्य में किया जाएगा, जहां से पानी की आपूर्ति की जाएगी और इन गांवों में 32 विभिन्न योजनाओं के तहत पानी की आपूर्ति की जाएगी। नंगल में आज पत्रकारों से बात करते हुए पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने कहा कि इस परियोजना को सरकार और जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है और अगले 2 महीनों में काम शुरू हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब के 67 गांवों को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना तैयार की गई है और जिसका निर्माण जवाहर मार्केट में मौजूदा नहर जल कार्यों पर किया जाएगा। नहर का पानी दिता जाए पहल दे तौर ते 65 करोड़ रुपया खर्च के 67 पिंडां वास्ते असी एक स्कीम बनाई है जिहड़ी नंगल निकू तो शुरू होएगी अगमपुर तक जाएगी और 67 पिंडां नूं जिहड़ा पानी है वो असी नहर चों चक के देवांगे। 4 नवें ट्यूबवैल जिन्हां दा नेम पत्थर रख्या 2 महीने के अंदर होंगे, ये है महरौली अजौली खानपुर जंदबड़ी।
तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर असर करेगी, ये खबरें देशभर से सुनने को मिल रही हैं, जिस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कहा है कि हरियाणा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन जो लोग घोषणाएं करते हैं उनके पास क्या आधार है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और वह बच्चों पर ही असर करेगी। बता दें कि हरियाणा में कोविड मरीजों के बीच 1,00,000 पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त में बांटी जाएगी और कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि और आधा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी, जिस पर IMA ने कहा है कि ये फंड की बर्बादी है, तो वहीं किसानों ने कहा है कि वो इसका बहिष्कार करेंगे। इस पर अनिल विज ने कहा है कि वो जबरदस्ती किसी को खिला नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाना भी चाहते हैं। विज ने कहा कि एलोपैथी अपनी जगह है और आयुर्वेदिक अपनी जगह है। विज ने कहा कि हमारे पास पतंजलि की कोरोनिल आ गई है और वो बांटनी भी शुरू कर देंगे। हमारे पास आ गई पतंजलि की, वो हम बांटनी शुरू कर देंगे। अब ये तो किसी को जबरदस्ती तो हम खिला नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोग खाना भी चाहते हैं, तो ये एक आयुष हमारा अलग मंत्रालय है, वो आयुर्वेदिक दवाइयों का ही काम करता है, उसके लिए हमने आयुष की यूनिवर्सिटी भी बना रखी है और बहुत सारे लोगों का जो आयुर्वेदिक दवाइयों पर भरोसा भी है, विश्वास भी है। एलोपैथिक अपनी जगह है, आयुर्वेदिक अपनी जगह है, तो मेरे तो सारे डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पर कोरोना में जो जो योगदान दे सकते हैं वो कर रहे हैं। हम योगा भी करवा रहे हैं, प्राणायाम भी करवा रहे हैं। अब हो सकता है इनका कोई साइंटिफिक सबूत ना हो, लेकिन मान्यता है और वो मानते हैं, कर रहे हैं। देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ये जो लोग घोषणाएं करते हैं, इनकी घोषणाओं का आधार क्या है? क्या आधार है कि वो बच्चों पर असर करेगा? क्या आधार है कि तीसरी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपित को जमानत देते समय अदालत को कथित अपराध की गंभीरता का आकलन करना होगा और बिना कोई कारण दर्शाए आदेश पारित करना न्यायिक प्रक्रियाओं के मौलिक नियमों के विपरीत है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसने दहेज हत्या मामले में एक आरोपित को जमानत दे दी थी। पीठ ने कहा है कि वर्तमान मामले की तरह कथित अपराध की गंभीरता से हाईकोर्ट अनजान नहीं हो सकता, जहां एक महिला को शादी के एक वर्ष के अंदर ही अप्राकृतिक मौत हो गई। और पीठ ने कहा कि आरोपों को देखते हुए कथित अपराध की गंभीरता का आकलन करना होगा कि दहेज के लिए उसका उत्पीड़न किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज के लिए आरोपित के खिलाफ उत्पीड़न के विशिष्ट आरोप भी हैं। तो साल का पहला चंद्रग्रहण लग चुका है। आज का चंद्रग्रहण बहुत ही खास रहा, क्योंकि 6 सालों बाद सुपर मून के साथ चंद्रग्रहण लगा है। यह पूर्ण चंद्रग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में दिखा। खास बात यह है कि आज सुपर मून, ब्लड मून और पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना एक साथ घटी। भारत में यह चंद्रग्रहण दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहां पर उपछाया चंद्रग्रहण था। और बता दें कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्रग्रहण होता है, और जब चांद पूर्ण ग्रहण युक्त होता है तो ब्लड मून दिखता है, और ये एक खगोलीय घटना है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को ढक लेती है, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर चंद्रमा पर पड़ती है, और इस दौरान चंद्रमा का रंग लाल नजर आता है। तो यूपी के गाजियाबाद जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बैंकों को करीब 5 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले दंपत्ति को धर दबोचा है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है और दंपत्ति के खिलाफ कार्रवाई SP देहात इरज राजा के नेतृत्व में हुई है। SP देहात इरज राजा ने बताया कि आरोपियों के 2 बैंक का चूना लगाकर करीब 5.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को बेचकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति ने फर्जी फॉर्म बनाकर पहले 3.5 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिए थे, और फिर फर्जी कागजात तैयार कर एक महिला को उन्होंने उसी प्लॉट को 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसके बाद आरोपी दंपत्ति फरार हो गए थे। ये एक एंटी फ्रॉड सेल के माध्यम से नवंबर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पति पत्नी और मैंने बैंक के किसी कर्मचारी के साथ मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है। उसमें इस तरह से था कि ये संपत्ति जो दंपत्ति की थी, इस संपत्ति को ऑलरेडी इन्होंने एक बैंक से लोन ले रखा था 3.5 करोड़ का, फिर वही संपत्ति फर्जी कागजों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी
और उस पर भी लोन करवा के वो लोन का पैसा भी इन्होंने ही ले लिया। तो कुल मिला के इन्होंने लगभग 5-5.5 लाख रुपया लिया और उसमें ब्याज समेत मिला के लगभग इस समय 7 करोड़ के आसपास देनदारी इन लोग की है। और इसमें इस दूसरे व्यक्ति के साथ जिसको कि फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर एक और रजिस्ट्री करवा दी गई तो उसकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। देश भर में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है, वहीं महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। लेकिन यहां नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो खाकी पर व्यापारी हावी हो जाते हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के जलगांव का है, जहां जामनेर तहसील के फतेहपुर में नियम अनुसार 11 बजे बाजार बंद करने गए पुलिस कर्मियों पर फल विक्रेताओं ने हमला बोल दिया। पुलिस कर्मी की जमकर पिटाई की गई, बाद में अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंचा और दुकानें बंद कराई और अतिक्रमण को भी हटा दिया गया। गोवा सरकार ने तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिए जाने के फैसले को चुनौती दी है। गोवा की एक सत्र अदालत ने तेजपाल को 2013 में राज्य के एक आलिशान होटल के लिफ्ट में महिला साथी के यौन उत्पीड़न के आरोपों से 21 मई को बरी कर दिया था। गोवा के एडवोकेट जनरल देवीदास पंगम ने बताया कि राज्य सरकार ने बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी अपील पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। आपको बता दें कि इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि उनकी सरकार तेजपाल के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी, क्योंकि उसे विश्वास है कि पत्रकार के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है और बीते दिनों ताऊते तूफान के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी और अब यास तूफान के कारण एक बार फिर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यास तूफान के उड़ीसा के तट में टकराने के बाद अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में इसका असर दिख सकता है और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान का सबसे ज्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग पर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यास तूफान के उड़ीसा के तट से टकराने से पहले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से प्रदेश में नमी आने से बादल बन रहे हैं, जिससे कि जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में आगामी 2 दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी बारिश छाने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पड़ोसी के घर खेलने गई 1.5 साल की बच्ची के साथ आरोपी जिस तरीके से रेप की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल मामला शिवपुरी के देहात थाने के तलैया मोहल्ले में रहने वाले महेश ने एक 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची महेश धनुक के यहां खेलने गई थी, तभी शराब के नशे में धुत महेश धनुक ने रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। परिजनों की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और साथ ही बच्ची का उपचार शिवपुरी के जिला अस्पताल में जारी है। आपकी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, किसके द्वारा किया गया? महेश वेटर। कहाँ के निवासी है? पुरानी शिवरी तलैया मोहल्ला वार्ड नंबर 21 देहात थाने के निवासी। महेश भानुक ने किया है? हाँ। उसके खिलाफ आपने रिपोर्ट की है? हाँ कर दी सर। भानुक मोहल्ले का एक मामला है जिसमें बच्ची के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया, क्या मामला है? भाई बच्ची है 1.5 साल की, उसके माँ बाप ने उसके बच्ची के साथ में रेप होने की सूचना दी है हमें, हमने उसको तत्काल हॉस्पिटल ले दिया, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी गिरफ्तारी हो गई है? आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी मेडिकल हो जाए। त्रिपुरा के अगरतला में भक्तों ने बेनबुन बिहार में बुद्ध पूर्णिमा मनाई। कोविड 19 कर्फ्यू के बीच यहां के मुख्य मठ ने त्रिपुरा में कुछ भक्तों के साथ बुद्ध जयंती मनाई गई है। बता दें कि त्रिपुरा लगभग 2 लाख बौद्धों का घर माना जाने वाला है, जो कि मुख्य रूप से मोग, चकमा, बरुआ और उचोई समुदाय से संबंधित है और थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। बौद्धों के साथ साथ अन्य धर्मों के भक्तों ने भी मठों में सुबह से प्रार्थना में भाग लिया और दुनिया की शांति और कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। यूपी के लखनऊ में कोरोना संक्रमण कम होने पर स्वास्थ्य कर्मियों को निकालने का मामला सामने आया है। यहां के जीएमयू के
कोविड वार्ड में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि सीनियर डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि अब कोविड वार्ड में मरीज आप लोगों की जरूरत नहीं है। इसके बाद केजीएमयू के गांधी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। केजीएमयू के रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव कर इन्होंने अपनी मांगे भी रखी। नर्सिंग स्टाफ हम सबको कोविड महामारी के तहत यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई, उसके बाद ये भी कहा गया कि 6 महीने और 1 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। हम सबने यहाँ पे कोविड में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया, जबकि हमारे साथ काम करने वाला यहाँ का नर्सिंग स्टाफ हम लोगों के हेल्प के लिए कभी आगे नहीं आया। हम सबने बिना ग्लव्स और मास्क के भी यहाँ पर काम किया है, हमें N95 मास्क नहीं प्रोवाइड किए गए। उसके बाद कल एक हस्तलिखित सूचना में हमें ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 31 तारीख को आपका कार्यकाल समाप्त किया जाएगा, जबकि जब हमें ज्वाइनिंग दी गई थी तो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हमें। बीते कुछ दिनों से अपने बयानों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले बुलढाणा के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ घर के बाहर खड़ी कार को कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया और इसके अलावा उनके घर पर भी हमले का प्रयास किया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन स्थानीय पुलिस जुट चुकी है। विधायक संजय गायकवाड़ ने बताया है कि यह सोची समझी साजिश के तहत की गई वारदात है और आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के पहले इलाके की बिजली को काट दिया और उसके बाद सीधे कार की पेट्रोल की टंकी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि अगर आग भड़क जाती तो आसपास में खड़ी 4 से 5 अन्य कारें भी क्षतिग्रस्त हो जाती और इसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती थी। आधी रात विधायक के घर हमला, दहल गई महाराष्ट्र सरकार। आपको बता दें महाराष्ट्र के बुलढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ के घर के बाहर 3:30 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने खड़ी स्कॉर्पियो और वहां मौजूद गाड़ी में आग लगा दी थी। समय रहते लोगों ने आग बुझा लिया। आपको बताएं कि विधायक मुंबई पहुंचे थे और देर रात तकरीबन 1:30 बजे वो जब अपने घर पहुंचे और खा पी कर सो रहे थे, उस दरमियान बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोग पहुंचे और आग लगाकर फरार हो गए। समय रहते आग बुझा ली गई, नहीं तो एक बड़ा हादसा होता। वहीं शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री से बात कर इस पूरे मामले की जांच की अपील की है। वहीं जिला प्रशासन भी जांच को लेकर तेज हो चुका है, लेकिन एक सत्ताधारी विधायक के घर के बाहर हुए हमले को लेकर राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि यह हमला क्यों हुआ, किसने किया, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। एनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग को किसी अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है और सफीदो शहर थाना पुलिस ने श्रवण गर्ग की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी विदेश के नंबर से दी है। शहर थाना प्रभारी रामकुमार ने बताया कि श्रवण गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उनके मोबाइल पर कई बार व्हाट्सएप कॉल आई, जब उन्होंने कॉल को रिसीव किया तो सामने से व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद फोन पर गालियां भी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त नंबर की जांच साइबर टीम के साथ उनकी भी 2 टीम कर रही हैं और इससे पहले हरियाणा गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष रतिया के विद्यासागर बगला को पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप से 22 बार कॉल और मैसेज कर जान से मारने की धमकी मिली थी। उनके मोबाइल पर आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेजी गई हैं और इस मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा के पलवल में 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के वारदात सामने आई है और उस बच्ची की हत्या भी कर दी गई, जिसकी गुत्थी को मुंडकटी थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया। पुलिस ने आरोपी को गांव मुरैली रोड से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गाँव मरौली मार्ग स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बिहारी लाल ने 24 मई को अपनी 6 साल की बच्ची की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची झुग्गी से कुछ दूर खेतों में मृत पाई गई थी और 5 जांच में सामने आया कि बच्चों के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामला ये
आदिवासी लोग थे, एमपी के रहने वाले, मध्य प्रदेश के हैं पीछे से। यहाँ पर लेबर तबके के कार्य में ये अपना एंगेज थे। गांव मरौली के पास एक प्लांट के ऊपर ये काम करते थे। जो इनकी एक बच्ची थी अप्रोक्सीमेटली 6/7 साल की, जिसकी कल सूचना मिली थी हमें गुम होने के संबंध में, कि बच्ची गुम हो गई है, जिसमें तत्परता पर मामले को लेते हुए अभियोग अंकित किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस अपनी तत्परता से जांच में जुटी, टीमें तैयार की गई। श्री दीपक गहलावत एसएसपी पलवल के मार्गदर्शन के आदेश अनुसार डीएसपी श्री दिनेश यादव जी के साथ मिलकर उनके आदेश अनुसार सारी टीमें अपने अपने दिए गए जो भी उनका व्यूज थे उनके आधार पे सर्चिंग शुरू की गई। सर्चिंग के दौरान उसके उपरांत सर्चिंग के दौरान दौरान तफ्तीश कुछ तथ्य ऐसे सामने आए जिनके आधार पर पर्दाफाश हुआ कि एक युवक है एमपी का रहने वाला, आनंद नाम का, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है कि बच्ची का बलात्कार कर हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में तत्परता पर लेते हुए मामला बहुत संगीन है और पुलिस की टीम में अपने कार्य को करते हुए सबको बरामद कर लिया गया है। सब का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तफ्तीश जारी है। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 15 दिन पूर्व युवक की गोली मारकर हत्या करने का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक दिनेश की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि मृतक के तमंचे द्वारा स्वयं को गोली मारकर करने की हुई थी और संभल पुलिस अधीक्षक ने पूरी घटना का अनावरण किया है। बता दें कि बीते 11 मई को यूपी के संभल जिले के थाना असमोली क्षेत्र के ग्राम हीरापुर निवासी टेक्नीशियन दिनेश की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन ने 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के 15 दिन बाद पुलिस ने आज पूरी घटना का खुलासा कर दिया। थाना असमोली के अंतर्गत ग्राम हीरापुर में 11/5 को ये एक मामला सामने आया था, जिसमें एक परिवार के द्वारा ये बताया गया था कि उनके घर में 4 लोग घुसे और उन्होंने घुसकर उनके एक बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये मामला शुरुआत से थोड़ा संदिग्ध लगा। सारे एंगल की जांच की गई, जो भी सस्पेक्टेड थे उन सबको बुलाकर उनसे अच्छे से पूछताछ की गई, तो कहीं से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं समझ में आया जिसमें 4 लोगों के अंदर घुसने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। इसके बाद हम लोगों ने इनके घर वालों से कड़ाई से पूछताछ की, तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें ये तथ्य सामने आया कि मृतक दिनेश ये मुरादाबाद में नौकरी करता था। इनके छोटे भाई ने जिस दिन इसका डेथ हुई है उस दिन इसको फ़ोन करके घर पर बुलाया, क्योंकि इनके घर में कुछ आपसी विवाद चल रहे थे। उसके बाद दिनेश के द्वारा घर पर खाना खाया गया तथा काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन किया गया। इसके बाद इन सभी लोगों में आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद ये लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात में दिनेश बीच रात में, ये किसी को नहीं मालूम है कितने बजे उसकी नींद खुली, जब उसकी नींद खुली तो उठकर आया और छोटे भाई की जो बहू है उसके साथ में उसने कुछ छेड़छाड़ की।
इस पर उसके छोटे भाई ने हल्ला मचाया तो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें उसका पिता, उसकी बहन, ये छोटा भाई, सभी लोग उपस्थित थे वहाँ पर। उसके बाद में जब इन लोगों के द्वारा उसको वहाँ से हटाया गया, उसको उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की गई, तब दिनेश ने अपने कमरे से एक तमंचा निकाला और उसने इन लोगों को धमकी दी कि वो इन सभी लोगों को गोली चलाकर मार देगा। उस समय उसके हाथ से तमंचा छुड़ाने के लिए इन लोगों के द्वारा छीना झपटी हुई। छीना झपटी में ही इसी यूपी के मथुरा में ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी चिकित्सा तंत्र दम तोड़ने लगा है। 2000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और साथ ही एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए गए थे। देखरेख के अभाव और चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते भवन जर्जर हो गए हैं। कुछ स्थानों पर स्टाफ ही नहीं है और इसी कड़ी में मथुरा में राया क्षेत्र के नगौड़ा में भी एक सरकारी अस्पताल की हालत खराब है। आपको बता दें कि मथुरा जनपद के ब्लॉक राया के गांव नगौड़ा में लाखों रुपए की लागत से बना अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से खाली पड़ा है। सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और उसके बाद भी मथुरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों की हालत किस तरह है वो आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जहां किसान केंद्रों पर अधिकारियों के कमीशन और रिश्वत लेने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और ये वायरल वीडियो थाना इरादत नगर क्षेत्र के कस्बा स्थित किसान केंद्र का बताया जा रहा है। वीडियो में कर्मचारी ने किसानों से प्रति कट्टे पर एक किलो गेहूं कमीशन के तौर पर बात कबूली है। खरीद केंद्र के कर्मचारी ने बताया है कि अगर किसानों से रिश्वत नहीं लेंगे तो हमें अधिकारियों को जेब से पैसा देना होगा। आप मुझे आप लिखित में दे सकते हो? ऐसे कैसे लिखित दे दूंगा मैं? क्या एक किलो गेहूँ एक क्विंटल हमारा माल वहाँ पे पास नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे लिख के देख लो कि हमारा माल वहाँ वो पास नहीं करते हैं तो मैं इन किसानों का बुरा क्यों बनने दूंगा? मैं तो किसानों के भले के लिए वो करूंगा ना। हमारे एसडीएम साहब को पता है, अभी मैं एसडीएम साहब से मिलकर के वहाँ जाता हूँ, फिर वही एसडीएम साहब को ले जाता हूँ, फिर वहाँ एफसीआई में लेके चले जाओ। एफसीआई में चले, हमें कह रहा हूँ आप एफसीआई में चले जाओ, देख लो ना गाड़ी उतर रही है वहाँ उतर तो गाड़ी में तो आप बैग चुपचाप देखते रहना, वो सामने आ जाएंगे लेन देन ड्राइवर देंगे पैसे सामने मालूम बचेगा। अच्छा, वो पैसे लेते हैं बिल्कुल। अरे तो उस हिसाब से आप यहाँ पे किसानों को मार रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जिला प्रशासनिक परिसर के सामने किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी को हर हाल में इन कानूनों को खत्म करना होगा। केंद्र सरकार के विरोध में सभी वर्ग ने अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाए और कृषि कानूनों का विरोध भी जताया। छह महीने संयुक्त मोर्चे दे दिल्ली बॉर्डर ते बैठे दे पूरे होने तो मोदी सरकार जिहड़े आ उह कानूनां नूं वापस ना करन दे रोस वजो अज मोदी दा पुतला फूकिया गया ते अलग अलग पिंडां ते वाहनां ते घरां ते काले झंडे लहराए गए ते कालियां पट्टियां बन्नियां गईयां ताकि असी सेंटर सरकार नूं इह सुनेहा दे सकीए वी असी जागे होए आ जदों तक इह काले कानून। तो पिछले छह महीने से कृषि बिल के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसानों ने काले दिवस के रूप में मनाया और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंकते हुए कहा कि छह महीने बीत जाने के बावजूद भी कृषि कानून के बिल को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जिसको लेकर किसान काफी गुस्से में है और अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो आगे भी किसान प्रदर्शन करता रहेगा। आज आपने काले झंडे दिखाए हैं और पुतला फूंका है, क्या है मामला? मैं बिजनौर से अतुल कुमार, मंडल उपाध्यक्ष,
भारतीय किसान यूनियन बिजनौर, ये हमारे दिल्ली में चल रहे काले कानूनों को लेकर आंदोलन 6 माह पूरे हो गया है। 6 माह से सरकार किसी किसान कानून बिल को वापस करने के लिए तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। आज उसके 6 माह पूरे होने के बाद आज हमने जो काले झंडे दिखाकर और सरकार का पुतला फूंक कर हमने विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह सब जगह जगह गांव गांव घूमा और समय हुआ है काफ़ी, कई जगह जो ये प्रदर्शन हुआ। ये जब तक काले कानून वापस नहीं देगी सरकार, जब तक सरकार का विरोध में हम लगे रहेंगे, जब तक ही होगा। और इस बीच रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मिल्खा सिंह की तबीयत में सुधार देखा गया है। मोहाली आईसीयू से बाहर आए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पत्नी भी अस्पताल में भर्ती हुई है, मिल्खा सिंह की हालात में सुधार देखने को मिला है। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। यह हॉस्पिटल से उनका स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी होने के बाद ये खबर सामने आई है। मोहाली आईसीयू से बाहर आए हैं मिल्खा सिंह और भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मिल्खा सिंह की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी पत्नी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की हालत अब स्थिर है। तो किसान संघर्ष समिति पंजाब कोर्ट बुध ने सभापति दिवस पर सबरा गांव में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि इस महीने की 26 तारीख को किसान आंदोलन को पूरे 6 महीने हो गए हैं और इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में पुतला दहन किया गया, घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाए और बड़ी संख्या में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में काले झंडे उठाए भी। क्यों गलती की, क्यों बना ली, अज सारे ही पिछो तो पहले 5 साल इन्हें कुछ चंगे निकले थी। दोहरी बार लोगों ने विश्वास किया भी शायद जो 18-18 लाख रुपया साढ़े खाते से नहीं आया वह अगली बार आ जाऊगा। इन्होंने वो 18-18 लाख के गिन देना की सी, इन्हों ने कोरोना के नाम से हर एक ठग लिया, बड़िया बड़िया ठगियां मारियां। अज सारा ही वर्ग दुखी आ, ना ये किसानों की सुन रहे, ना ये दुकानदार की सुन रहे, सिर्फ तो सिर्फ इन्होंने जो लीडर लुटन से लगे आते हूँ। इन्होंने साड़ी धरती मां भी जी वेच दी लानियां पानी को, अं ये चाहते भी इन्हों साडे तुरंत जे कानून काले जड़े आने वापस करने चाहिए तो खान तो खुशी खुशी घर हो। अज जरा काला दिवस मना रहे हैं, ये पता नहीं कि बुद्ध का ना ले जाते साडे विरोध करते हैं। सानू इन्होंने किसी बुद्ध शुद्ध के नाल कोई मतलब नहीं गा, अं तो आपकी धरती आपदे जोड़े बच्चे आप फसल उन्होंने बचाने का सू फिक्र लगे। अज अं दुखी हो दिल्ली बैठे हाँ, बड़े दुख के नाल जाना पैदा, बड़े दुख के नाल उतो सूचना रहना पैदा गर्मी के बच्चे। इन्हों गल कहने भी इन्हें कानूनों को वापस लो। अज इन्हों का काला दिवस सारे संयुक्त मोर्चे वालों सारे हिंदुस्तान करके विरोध करते हुए पुतला का साड़िया कंजर का साड़िया वा सू बहुत सारे गंभीर जो कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें
और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो है रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3-4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में BKU के NCR मंडल अध्यक्ष मांगेराम त्यागी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया, लेकिन इस दौरान पदाधिकारियों और पुलिस में छीना झपटी भी हो गई। वहीं खुर्जा, गुलावटी व कलेक्टर के पर तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध में काला झंडा लेकर नारेबाजी की गई। ग्राम सिसौली में BKU कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए ट्रक रैली निकाली। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर 2020 से चल रहे किसान आंदोलन को आज 6 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और जिसके चलते देश का किसान आज बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ है। यह कहना रहा किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया का। भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया के नेतृत्व में आगरा जनपद के कई गांवों में केंद्र सरकार के खिलाफ काला दिवस के रूप में मनाया गया और किसानों ने अपने घरों, खलिहानों तथा अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर किसान विरोधी सरकार के नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि काले कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा 6 माह से दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए है। आज उसको 6 माह पूरे होने जा रहे हैं, जिसको भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ही नहीं अभी पूरे देश में पंजाब के लुधियाना में जगराओ की दाना मंडी में 15 मई को 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं समेत 4 गैंगस्टरों के 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि आरोपियों में गैंगस्टर दर्शन सिंह की पत्नी सतपाल कौर भी शामिल है। वही मामले पर जांच अधिकारी सिमरनजीत सिंह ने बताया कि इन आरोपियों को 3 दिन और रिमांड पर लिया गया है और रिमांड के दौरान और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है और इन आरोपियों के जरिए गैंगस्टर जायसवाल भुल्लर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। दोषियों का हम दोबारा तंदर मान लिया जी। दोषी दर्शन की वाइफ तो इंचार्ज सी जी निशान सिंह को उन्होंने अपना बयान लिखाया सही एविडेंस का जी। उदू बाद उन्होंने एस एच ओ जोधा वालों कुछ टीम बरामद हुई है, जिसे संबंधी वक्रा मुकदमा थाना जोधा विखे दर्ज किया गया। ये उन्होंने वाइफ को भी फीम बरामद हुई है, उन्होंने वाइफ की निशानदेही निशानदेही। हाँ जी, तो नाल कोई होर भी काबू भी किया गया वो हजे ऐसा वो एस एच ओ जोधा ही दस सकते। अच्छा जी। तो उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि आज किसानों का काला दिवस मनाया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने भी काले कपड़े पहनकर किसान आंदोलन में सहयोग करते हुए काला दिवस का समर्थन किया। भैया, किसान आज काला दिवस मना रहे हैं, किस प्रकार मना रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? आज हिंदुस्तान में पूरे
मुल्क में जो इस किसानों का ये देश है, इसमें जो आज के ही दिन 3 काले कानूनों को भारतीय जनता पार्टी ने आज पारित किया था, इसी उपलक्ष्य में आज पूरे देश में किसान, किसान संगठन और किसान कांग्रेस काला दिवस के रूप में मना रही है। मैं किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बलवान सिंह यादव आज काला कपड़ा पहनकर मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं कि जो है आज जो काला कानून किसानों के प्रति। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से कोरोना महामारी के दौरान लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं और इस महामारी से दुनिया के बड़े बड़े देश अछूते नहीं रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल में ऐसी महामारी कभी नहीं देखी गई और यह महामारी हम सभी के लिए बहुत से सवाल छोड़कर जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर एम्स, मेदांता और PGI जैसे बड़े बड़े अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्राज़ील की जनसंख्या के मुकाबले हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद इन देशों की तुलना में यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इस महामारी की दूसरी लहर इतनी तेज़ी से आएगी, इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। तो उधर महाराष्ट्र के यवतमाल में नगर परिषद पुसद के तहत एक ठेकेदार ने कंक्रीट का नाला बनवाया। इस काम का बिल नगर पालिका को सौंपा गया था। दरअसल पुसद नगर परिषद के सिविल इंजीनियर अश्विन चौहान ने बिल को निकालने के लिए 14,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और इसी के चलते ठेकेदार ने यवतमाल स्थित SCB कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इंजीनियर अश्विन चौहान का पुसद स्थित नगर परिषद परिसर में 14,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगो हाथ पकड़ लिया गया। विकास कामों के लिए बहुत सारे काम किया मैंने, मुझे आज तक की ऐसी तकलीफ नहीं हुई जो आज तकलीफ हुई। मैंने एक नाली का काम किया था, जो नाली का काम 6-6.5 लाख रुपए का काम हो रहा है, जिसमें अश्विन चौहान साहब ने दिसंबर जनवरी महीने में मैंने काम किया। लॉकडाउन होने की वजह से मैं बिल मांगने के लिए नहीं गया, जब मांगने के लिए गया तो मेरे को 5 महीने के बाद में मेरे को बिल तैयार करके उसमें 14,000 रुपये की डिमांड मांगे और डिमांड के साथ में मुझे 3 बार साइट पर, एक बार CO साहब को लेके गए उन्होंने विजिट पर, CO साहब को, और 2 बार अश्विन चौहान साहब, ये 2 बार मेरे को लेके गए। उनको कुछ भी साइड पे ऐसा नहीं मिला कि जिससे वो डिमांड कर सके मेरे को। आखिरी में बोले कि भैया ठेकेदार का और इंजीनियर का सम्मेलन रहता, वो जो है तो तुम जो करना है वो करो, 2 लाख रुपये की मेरी डिमांड है, बाकी जो है तो तुमको जो करना है वो करो। तो 2 लाख रुपये की डिमांड बहुत बहुत सारी हो जाती, 6.5 लाख के काम में 14,000 रुपये दे नहीं सकता था मैं आज पुराने रेट होने की वजह से, बिलों में काम है मेरा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के 14 नए मामले सामने आए हैं और इनकी कुल संख्या अब 170 हो गई है। इनमें गुरुग्राम के अलावा बाहरी जिलों और राज्यों के रहने वाले मरीज भी शामिल हैं, जिनका इलाज जिले के कई अस्पतालों में चल रहा है। ब्लैक फंगस के साथ साथ अब व्हाइट फंगस के भी मामले सामने आने की चर्चाएं हैं। तो कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में रुड़की के नारसन ब्लॉक में नए ग्राम प्रधानों का वैक्सीनेशन किया गया और इसके साथ ही ADO पंचायत धर्मपाल तेजवान ने ग्राम प्रधानों से कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील भी की। खंड विकास अधिकारी भगवान सिंह नेगी ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों का वैक्सीनेशन किया जा रहा और इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर कोरोना की रोकथाम के लिए भी जो उचित सामग्री है उसको गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है। हमारे विकास खंड के अंदर जो फ्रंटलाइन जो पूर्व थे निर्वर्तमान प्रधान जो कुछ छूट गए हैं उनके लिए हमने एक वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया कि ताकि वो पहले आके अपना वैक्सीन लगवाएं जो छूटे हुए निर्वर्तमान प्रधान हैं और इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। तो ब्लॉक लेवल पर हमने एक आज विकास खंड सभागार में एक सेशन साइट बनाई इस कार्य के लिए। आम जनता से, विकास खंड की आम जनता से अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और बार बार हाथ धोएं और इस बीमारी के प्रति जो भी आपके पास जो हम सूचनाएं दे रहे हैं उनको
पालन करें, अन्य लोगों को भी पहुँचाएँ। हम यहाँ से आइवरमेक्टिन किट भी वितरित कर रहे हैं, आइवरमेक्टिन दवाई भी दे रहे हैं उसका भी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए गंगा स्नान पर कासगंज जिला प्रशासन और बदायूं के प्रशासन ने रोक लगा दी थी। गंगा स्नान से संक्रमण फैलने की आशंका थी, जिसके लिए पुलिस को भी जिला प्रशासन ने अलर्ट किया था। गंगा स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की चेकिंग भी की गई। कासगंज जिले में लहरा, कादरगंज, इस्माइलपुर और सोरों स्थित हरपदी गंगा पर, शहवाजपुर पर गंगा स्नान करने के लिए लोग पहुंचे, लेकिन इन सभी घाटों पर यहां के जिला प्रशासन ने उन्हें वापस भेज दिया। इसके अलावा बदायूं के प्रशासन ने रोक लगा रखी थी और पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कसला गंगा घाट पर की थी। दमदार समाचार लगातार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।